भावुकता में मत करो कभी यार मतदान, बिना विचारे फैसला होती खुद की हान। नमस्कार, मु शक्ति। राज्य राजनीति एवं घड़ी के घोड़ा छुटुची। रणनीति प्रस्तुत कथा कहतु कि संगठन सजाड़ा कथा अबा बूथ स्तर में लोकों सह जोड़ी होगा कथा। राजनैतिक दलगुड़िक फाइनाल फाइट पूर्व प्रस्तुति आरंभ करदे। सेपटे भोटर भी तैयार। पांच वर्ष तले से मिलता प्रतिश्रुति केते पूरण हो जीति नेता से समस्या समाधान करते केते सफल होती। 2024 महासमर पूर्व लोकंर असल मुद्दा मत एवं सर्वोपरि क्षमता डोरी धरवा को आशायी प्रस्तुति केमिति रही सबको नहीं प्रति विधानसभा निर्वाचन मंडल स्थिति अवस्थिति सह आमर स्वतंत्र उपस्थापना जनता। पारादीप ओडिशार बंदर नगरी कहतु किंवा प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोदय विकास स्वप्नर गेटवे। राज्यर अर्थनैतिक मुखशाला कहले भी किसी भूल हेनी। राजनैतिक दृष्टिकोण भी बेस चर्चित यही निर्वाचन मंडल, चर्चित यार राजनैतिक पाणीपाग, चर्चित यार लोकप्रतिनिधि। तेरे से सबू पूर्व प्रथम चलतु देखा पारादीप निर्वाचन मंडल केते गौरव भरा। पूर्व भारतर मुख्य प्रवेश पथ होउची पारादीप बंदर। देश तथा विदेश रु बहु व्यवसायिक माने व्यवसाय करने पारादीप बंदर उपरे निर्भर करते। तबे पारादीप बंदर अनेक इतिहास किंवदंती सहित जड़ित रही। राज्यर एक प्रमुख सहर तथा वाणिज्य केन्द्र खाली राज्य कहीं पूर्व भारतर सामुद्रिक वाणिज्यर पेंठस्थल। केवल जे पारादीप बंदर पर यह प्रसिद्धि ताहा नुहे, पारादीप गढ़ी उठी छोट बड़ अनेक कारखाना। सेतिपाई जातीय अंतर्जातीय वाणिज्य स्थान रूपे ओडिशा अर्थनीति को यह विपुल भावे प्रभावित करिछि। पंद्रह बृहत शिल्प को ओडिशा रे आमर माननीय प्रधानमंत्री जेते 2016 मसीह पारादीप गस्त करते ओडिशार नाटा को से पूर्व भारत विकास पथ बोली से कही थे। सही दिन ठारु अर्थनैतिक मुखशाला भाव पारादीप परिगणित होती। पारादीप निर्वाचन मंडल विशेषते यह पूर्व 2009 पूर्व यहाँ पारा रेशमा बालिकुदा निर्वाचन मंडल अधीन 2009 मसीह पारादीप निर्वाचन मंडल मान्यता पाइला। पारादीप्र इतिहास बहु पुराणा। 17 शताब्दी बेलू पारादीप और ओडिशा मध्य मुख्य जोगाजगर पथ थिला महानदी और ताहार शाखा नदी। 1819 मसीह ब्रिटिश माने पारादीप गोटे छोटिया बंदर निर्माण करते जार ना थिला फॉल्स पॉइंट। तेबे 1866 मसीह पारादीप्र गुरुत्व बढ़ी जाइथिला कारण नौक दुर्भिक्ष प्रभावित अंचल को यही ठारु ही खाद्य सामग्री पठाइथिला। तेबे 1962 जनवरी 3 तारीख में पारादीप बंदर प्रतिष्ठा निमन्ते शिलान्यास करा जाइथिला। 3 वर्ष पर 1965 मसीह जून मास रे पारादीप बंदर भारत एक गभीरतम बंदर भाव परिगणित होइथिला। आपण माने जानिथिबे एशिया महादेशर सबुठारु गभीरतम बंदर एवं जो बंदर रे बड़ बड़ जहाज मान ये लगिपे जो सरकार जो कि हलदिया गोटे रिफाइनरी थी यठ पारादीप्रु रिफाइनरी रु क्रूड ऑयल से जाऊँ हलदिया रिफाइनरी को विभिन्न जगह को जाहेतु बड़ बड़ जहाज ये लगिपे विस्तीर्ण बेलाभूमि पारादीप अच्छी। सेदिनर उत्कलीय नवाणिज्यर गाथा को मन पकाइबा साधव पुओ बोइतो नहीं जाभा सुमात्रा बर्ण्य जीवार स्मृति को उज्जीवित कर रखा प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा दिन बंदर में बोइत बंदाण उत्सव पालन करा थाए। एथसहित 32 वर्ष होब पारादीप समुद्र बेलाभूमि कलिंग बालीजात्रा पालन हो आसुची। शिल्पनगरी होइथिबारु एठी विश्वकर्मा पूजा को बेस धूमधाम पालन कराए। एठारे बहु ऐतिहासिक मंदिर मध्य रही। सेपरी नेहरू बंगलारे विशाल माछधरा बंदर मध्य रही बेले पर्यटक माने देखिपारिबा पाई व्यवस्था करा जाइछि।
ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ମୋଟାମୋଟି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ବାଣିଜ୍ୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ପାରାଦୀପ। ପାରାଦୀପରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୁରୁପଦଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସାତଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପାରାଦୀପର ଗୁରୁତ୍ୱ ଢେର ଅଧିକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପରଖିବା ପାରାଦୀପରେ ଗତ ତିନିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟର ଗତି କିଭଳି ରହିଆସିଛି। 2009 ଯଦି ଇତିହାସ ଦେଖିବା, ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 66,863 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ମାନେ 53% ଭୋଟରଙ୍କର ସମର୍ଥନ। ସେହିପରି 36,512 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ସହ 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମେଶ ସାମନ୍ତରାୟ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 29% ଭୋଟ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରମୋଦ କିଶୋର ଜେନାଙ୍କୁ 13,718 ଅର୍ଥାତ 11% ଭୋଟ ମିଳିପାରିଥିଲା। ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଶଙ୍ଖନାଦ ବେହେରାଙ୍କୁ 3% ଅର୍ଥାତ 3,652 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ହିଁ ମିଳିଥିଲା। 2014 ବିଜେଡ଼ିର ଦାମୋଦର ରାଉତ 85,206 ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାୟ 60% ଭୋଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଅରିନ୍ଦମ ସର୍ଖେଲ 46,606 ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ 33%, ଏବଂ ବିଜେପିର ଦୀପ୍ତିରେଖା ନାୟକ 5,832 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଅର୍ଥାତ 4% ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଥିଲେ। 2019 ବିଜେଡ଼ିର ସମିତ ରାଉତରାୟ 69,871 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ସହ ପାଖାପାଖି 45% ଭୋଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସରୁ ଅରିନ୍ଦମ ସର୍ଖେଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 31% ଅର୍ଥାତ 48,879 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ 35,037 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା 22%। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।